लक्षण है पवित्रता। खुद को पवित्र रखिए, घर को पवित्र रखिए। कहते जितनी पवित्रता होती है उस घर में उतनी लक्ष्मी आती है, जितनी गंदगी होगी उस परिवार में उतनी दरिद्रता आएगी। जितना हो सके घर को साफ सुथरा रखिए, लक्ष्मी उसी घर में आएगी ना। और ये सबके लिए है भाई। कई बार जब मैं ये बात कहती तो पति पत्नियों की ओर देखने लग जाते, घर आपका भी है, गंदगी आपको दिख रही है तो उठाइए कपड़ा और उस वक्त साफ कर लीजिए। इंतजार मत करिए कि कोई और करेगा, घर आपका भी है, घर दोनों का है और दोनों को मिलके ही संभालना पड़ेगा। गाड़ी के सारे पहिए एक साथ चलते हैं ना, या एक पहिया बोलता है अभी मैं थका हूं तू चल, वो बोलेगा मैं, तो ऐसे गाड़ी चल सकती है? जिंदगी की गाड़ी भी सारे पहियों को एक साथ चलना पड़ता है, तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको साथ में चलना पड़ता है। तो तीसरा लक्षण है पवित्रता। चौथा लक्षण है तपश्चर्या। अब देखिए बाहरी तौर से तो चमक धमक रख ही लेते हैं, साफ सुथरे रह ही लेते हैं, पर बाहर से जितना चमक रहे हैं अंदर से मन उतना ही गंदा है, विचार उतने ही गंदे हैं, वाणी उतनी ही गंदी है। तो विचारों को वाणी को पवित्र रखिए। किसी को कुछ कहने से पहले 100 बार सोचिए कि क्या कहने जा रहे हो। कई बार लोग कह देते हैं कि भाई इतना समय नहीं है कि 100 बार बैठ के सोचे, तो एक बार इतना सोच लेना कि जो भी कहने जा रहे हो अगर वो ही मुझसे किसी ने कहा तो मुझे कैसा लगेगा। और अगर आपको जवाब मिलता है कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा उसको भी मत कहना, क्योंकि थप्पड़ अमीर को मारो कि गरीब को, लगता दोनों को ही जोर से। ऐसा नहीं है कि एक को जोर की लगती और एक को तो आदत है। तो इसीलिए किसी को कुछ कहने से पहले 100 बार सोचिए। अब पांचवा लक्षण है तितीक्षा। भगवान जो भी दे प्रसाद समझकर ग्रहण कर। वो जो देते हैं सोच समझकर देते हैं, उन्होंने भविष्य देखा है हमने नहीं देखा, है ना, तो इसीलिए वो जो दे उसको प्रसाद समझकर ग्रहण कर। सोच समझकर दिया होगा, कारण जानने की कोशिश। मैं कई बार कहती हूँ जब दुख भी आए ना तो रोने की बजाय सोचो क्यों आया, क्या किया था ऐसा, कुछ तो किया होगा। क्योंकि जैसे माँ बाप है, माँ बाप ऐसा थोड़ी बच्चों को कभी डांटते हैं तो बैठे बैठे बोर हो रहे हैं क्या करें, लाओ बच्चों को, है क्या ऐसा? तो भगवान भी ऐसा थोड़ी कि बैठे बैठे बोर हो रहे हैं थोड़ा दुखी बांटते हैं, चलो कुछ तो किया है ना भाई आपने, उसी का फल मिल रहा है। उस वक्त जानने की कोशिश करो कि क्या किया होगा, और नहीं समझ आ रहा तो फिर उसको मानो कि कुछ तो है मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि अगर उसने दिया है तो सोच समझ कर दिया है।